रोड जावा है, साधन बिल्कुल बंद है और लड़कियां इतनी परेशान हो रही जी धूमर में बनीम को आवा है। अगर कोई दुर्घटना घट जाए बाई चांस तो हमारा नू सोच लियो वहां पर बहुत ही रोड खराब है। रोड है बस एक बस नहीं आ रही गांव में को। और हमारा आज मेरा बताए दू धरना लगाने का था वहां पर मैं नहीं पे तो हमारे गांव में तीन कांड हो रही धरना मामला में बड़ी सख्त है सरकार। हमने चेतावनी मत दे धरना की तो हमने चेतावनी दे लगाओ धरना तो तुम्हारा मोदी का अधिकार है लेकिन रोड जाम नहीं करते नहीं रोड जाम नहीं हमारी मांग के खातिर धरना लगाएंगे धरना लगाओ धरना के लिए मैं आपको ये आज दे रहा हूँ मेरी तरफ से एक हफ्ता का अल्टीमेट है। अगर एक हफ्ता में हमारी समस्या सोल्व हो तो मैं कंसर्न विभाग को भिजवा दूंगा आपकी। मेरा काम इतना ही है बस जी। ठीक है जी धन्यवाद आजा जी प्रधान। नमस्कार दोस्तों मैं अमजीत कुंडू किनाड़ा और आप देख रहे हो रियल हरियाणा। आज बरवाड़ा के अंदर ज्ञापन प्रज्ञापन सौंपे जाने लग रहे हैं। जैसे जिस प्रकार तो कोई बाढ़ नहीं आ जाकर है उस प्रकार आज बरवाड़ा स्टेडियम में बाढ़ आ रही है ज्ञापना की। एक भाई और अपने साथ मौजूद है राम राम भाई साहब। राम राम भाई। भाई साहब पहले तो एक बारी अपना परिचय देने का कष्ट करें। भाई मैं दौड़ा ब्याण जेवरा मैं भारतीय किसान यूनियन चडूनी जिला अध्यक्ष। आज आपने भी एक ज्ञापन दिया एसडीएम साहब को किस मुद्दा पर लेकर दिया यो? भाई मुद्दा बहुत गंभीर है अगर सोचने वाला तो मुद्दा बहुत ही गंभीर है क्योंकि हमारा गांव जो बिचपड़ी नेशनल हाईवे से जेवरा रोड जाता है वो उसने 10 साल हो गए बिल्कुल टूटा हुआ है। सरकार है पीछे कांग्रेस की थी अब बीजेपी की है। कांग्रेस वाले भी अब बनवाए देंगे 5 साल उनकी निकल गई। ये भी बीजेपी वाला भी भंडरे हजोगी राम वो भी नुकवा ही बनवाए दूँगा उसकी वाई भाषा पर जान वाली हो रही है। गवर्नमेंट तो यार न्यूक लाग रही कहना बोले हमने रोड इसे बना दी चाहे जिब्बे चाट लियो तो कहो बोले हमारा सड़के नहीं बनी। भैया तो तराग लाई है चल भाई आज मैंने एसडीएम ने ज्ञापन दिया है मैंने 7 दिन का अल्टीमेट दिया है एसडीएम ने अगर हमारा समाधान तो हो जाए तो ठीक है नहीं मैं नेशनल हाईवे वहाँ पर रोड पर बैठूंगा और रोड को जाम करूंगा चाहे प्रशासन कितना ही जोर ला ले रोड अगर हमारा 7 दिन के अंदर रोड बन जाए है और लड़कियों के लिए सुविधा हो जाए है पढ़ने के लिए बस आ जाए गाँव में तो आग आंदोलन नहीं करांगे रोड का पक्का आंदोलन करांगे। तो ये आप एसडीएम साहब तक मिले तो उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया है? एसडीएम साहब ने तो आश्वासन दे दिया बोले आगे भेज दूंगा बोले रोड नहीं जाम करिए कहता नहीं करिए रोड जाम है बोले रोड जाम तो केस हो गए केसा तो कौन डरा है भाई तेरा भी नहीं मामे दिल्ली बैठे रोड भी जाम करे डीसी ऑफिस भी जाम करे वो घराव डालिया उड़ा गाणी करा है भाई मुख्यमंत्री भी हेरिया हमने तो हेलीकॉप्टर भी को नियंत्रण दिया एसडीएम साहब ने यह बात कहनी थी तो बाप ने उनकी बात के लग गया आपकी समस्या का बात तो भाई यो कागज पकड़ा दिया मैंने एसडीएम ने यो आगे पकड़ा दिया समाधान होगा तो होगा धरना लान तर धरना लाऊंगा एक हफ्ता बाद सब पक्का धरना लाऊंगा। तो दोस्तों आप सब ने इनके विचार सुने ये एक बहुत बड़ी समस्या है एक गांव में बस नहीं जाती रोड ख़त्म है। एक तरफ तो गवर्नमेंट दावे लाग रही करण की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जिस गांव में बस नहीं जाओगी उस गांव की बेटी कुकर पड़ेगी यह आप भी सोच को हो। तो दोस्तों मिलेंगे एक और नई वीडियो में तब तक के लिए बने रहे जय जवान जय किसान।